फ्रेंड्स, फरहत व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज मैं आई हूँ डेरा, दुबई के डेरा में। ये मेरा होटल है और बहुत अच्छा होटल है, काफ़ी नीट एंड क्लीन है, अच्छी अरेंजमेंट की है इसकी, काफ़ी अट्रैक्टिव अरेंजमेंट की है। और डेरा मुझे तो बहुत अच्छी जगह लगी। यहाँ पे मतलब सारे होटल्स हैं और मार्केट है पूरी, और यहाँ पे चाय कॉफ़ी भी आप खुद से बना सकते हैं, पानी ये लोग खुद ही देते हैं, बाकी सर्विस आप अलग से ले सकते हैं। देखिए यहाँ से आसमान भी दिख रहा है, मैंने विंडो रोड साइड का ही बुक किया था। और यहाँ से देखिए लोकेशन कितनी प्यारी आ रही है, ये बाहर साइड का, रोड साइड का, और सामने ही मस्जिद है। और देखिए आसमान कितना साफ़ है, नीला नीला सा आसमान दिख रहा है। बहुत ही अच्छी लोकेशन है ये डेरा रहने के लिए, होटल के लिए तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और होटल, अब मैं होटल के नीचे आ गई हूँ, अब मैं जुमेरा बीच के लिए निकली हूँ जाने के लिए। आज मैं जुमेरा बीच जा रही हूँ। देखिए यहाँ का मौसम अभी हल्का ठंड है, फैब का मौसम है तो हल्की सी ठंड है। और अब मैं पाम जुमेरा आ गई हूँ। और देखिए यहाँ से कितना अच्छा व्यू आ रहा है, मैं इंटर कर रही हूँ यहाँ से, अभी देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बाकी आगे जाके देखते हैं कैसा लग रहा है। और लोग भी हैं, पानी देखिए कैसा नीला नीला सा है, इतना क्लीन लग रहा है पानी। और यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा ठंडा ज़्यादा फील हो रहा है, क्योंकि शायद पानी की वजह से, और हवा भी काफ़ी तेज़ है। फैब के मौसम में तो वैसे भी हवा तेज़ हो जाती है। और देखिए ये साइड साइड से पेड़ हैं, और इतना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। और शायद वो उस साइड पोर्ट ही दिख रहे हैं, दुबई पोर्ट है। और ये लोग भी बैठे हैं, अभी ठंड का मौसम है तो शायद इस वजह से कम लोग दिख रहे हैं। वैसे यहाँ पे मैंने देखा जॉगिंग के लिए भी लोग ज़्यादा आ रहे हैं। और ये मैं साइड पे आ गई और यहाँ से देखती हूँ, पानी इतना क्लीन है, इतना अच्छा लग रहा है, नीला नीला पानी है और इतना साफ़ पानी है। ऐसे लोग यहाँ पे साइड साइड से बैठ के इंजॉय कर रहे हैं। मुझे तो यहाँ पे काफ़ी ठंड लग रही थी, हवा इतनी तेज़ थी कि मतलब ठंड लग रही थी। और देखिए कितनी लहर है, पानी कितना शाइन कर रहा है, वो हल्की सी धूप पड़ रही है पानी पे, कितना शाइन कर रहा है, इतना प्यारा लग रहा है ये व्यू। मैं तो इसको अच्छे से इंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि वैसे भी ऐसी जगह बहुत ही अच्छी लगती है मुझे तो, नेचुरल प्लेस वैसे भी अट्रैक्ट करते ही है। देखिए लहरें कितनी तेज़ हैं पानी की, हवा की वजह से लहर भी आती हैं। अब मैं पानी को ऐसे पैरों में ले रही थी, इतना ठंडा पानी था कि फ़र्स्ट टाइम में जब मैं मतलब टच की पानी को तो बहुत ही ठंडा लगा, फिर उसके बाद नॉर्मल टेम्परेचर लगने लगा। और यहाँ से तो देखिए बुर्ज खलीफा भी दिख रहा है साइड से, ये बुर्ज खलीफा दिख रहा है। आसमान कितना साफ़ है यहाँ से, नीला नीला आसमान दिख रहा है, पानी का व्यू देख सकते हैं आप, हल्की सी वो लाइट पड़ रही सूरज की रोशनी में, ये पानी कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे साइड में बैठ के देखिए कितना सुकून लग रहा है, पीछे बुर्ज खलीफा का व्यू आ रहा है। और लोग भी आ रहे हैं, वैसे मैं जल्दी ही गई थी थोड़ा, देखिए अब लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, लोग फ़िशिंग के लिए भी आते हैं, देख सकते हैं आप साइड साइड से, ये लोग फिश कर रहे हैं। और यहाँ से पैराग्लाइडिंग का भी हो रहा है, ये सारे पैराग्लाइडिंग वाले लोग हैं और फिशिंग करने भी आते हैं। बहुत ही प्यारा व्यू है, ये ग्राउंड देखिए कितना बड़ा, ये पूरी रेत है ग्राउंड में, और फैमिली के लिए तो बहुत ही अच्छा है, बच्चों के लिए, बच्चे भी यहाँ काफ़ी आते हैं, फैमिलीज़ वैसे बहुत आती है यहाँ पे, काफ़ी फैमिली दिखी। यहाँ पे देखिए लोग फिशिंग कर रहे हैं, देख सकते हैं व्यू यहाँ से चारों तरफ का, कितना साफ आसमान है। अब ये देखिए लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, पानी इतना ठंडा था कि किसी की नहाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, शायद सब यही सोच रहे थे, मैं तो बैठी थी। और ये साइड से व्यू देखिए, और धूप भी काफ़ी अच्छी लग रही थी क्योंकि इतनी ठंडी हवाएं थी। और यहाँ से देखिए पानी कितना अच्छा लग रहा है, मैं थोड़ा पानी में जाती हूँ, देखती हूँ क्या यहाँ से, मतलब दूसरे साइड पे आ गई हूँ। और
पानी काफ़ी ठंडा था। एक तो लहरें इतनी तेज़ होती हैं, पानी इतना ठंडा, स्टार्टिंग में तो बहुत ही ठंडा लगा था और फिर ठीक लगा। कोई नहा ही नहीं रहा था, इतनी ठंडी थी, सब बस धूप में ही एंजॉय कर रहे थे। अब मैं चलती हूँ दूसरे साइड पे, देखती हूँ यहाँ पे ठंड लग रही थी तो मैंने सोचा कैफेटेरिया है यहाँ पे, कुछ थोड़ा सा मतलब कॉफ़ी या चाय ली जाए। पानी में थोड़ा भीगी थी, उसके बाद मैं मुझे एक चाय कॉफ़ी की नीड हो रही थी। अब मैं यहाँ कैफेटेरिया साइड आ गई हूँ, इसी बीच के मतलब साइड में ही कैफेटेरिया ये देखिए बनाया है, यहाँ पे आप खाने पीने का भी कर सकते हैं। अच्छा बनाया है और प्राइस भी इसके बहुत सही थे, मतलब आप अफोर्ड कर सकते हो और सही प्राइस था। और फिर इसी के बगल में चेंजिंग रूम भी बनाया है, यहाँ पे मतलब जो भी आते हैं ऐसे बीच पे तो आप यहाँ चेंजिंग रूम भी है, वॉशरूम भी है, सब है। और ये देखिए यहाँ से व्यू कितना प्यारा लग रहा है, इतनी लहरें लहरें देखिए आप कितनी तेज़ हैं, ये हवा तेज़ है ना तो उतनी ही लहर आ रही है। पता नहीं ऐसे में लोग पैराग्लाइडिंग कैसे कर लेते हैं, मुझे तो देख के डर लग रहा था। ये देखिए लोग पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, और क्या, मुझे तो बहुत डर लगता है देख के ही, बुर्ज खलीफा देखिए वहाँ से दिख रहा है। और ये चारों तरफ का व्यू है, ऐसे देखिए बच्चे खेल रहे हैं रेत में, घर बना रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, बच्चे भी यहाँ पे एंजॉय करने आते हैं। अच्छी जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है, मैं तो मतलब अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। ये देखिए कितना प्यारा व्यू है यहाँ से, ये देखिए पैराग्लाइडिंग यहाँ पे लोग कितना करने आते हैं, ये फैमिलीज भी तो काफ़ी आ गई हैं। और ऐसे लोग यहाँ पे टेंट भी लेके आते हैं, टेंट में भी एंजॉय करते हैं। ये बुर्ज अल अरब है, पूरे वर्ल्ड का वन मतलब 7 स्टार होटल है। और ये देखिए इसी पास काइट बीच भी है साइड में, ये तो पाम बीच है। और देखिए फैमिली कैसे एंजॉय कर रही है सब अपने। अब मैं यहाँ से निकलने लगी हूँ, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए हो तो, और कमेंट कर दीजिएगा, और अच्छी लगे वीडियो तो शेयर भी कर दीजिएगा। अब मैं यहाँ से वापस जा रही हूँ।